हे गाइस, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे आज मैंने साड़ी पहनी है। एक्चुअली आज हमारे यहाँ कथा है, जो मेरा छोटा मतलब मेरा बेटा है तो वो उसका माना हुआ है। तो अभी हम लोग मौके से गांव में आए भी हुए हैं, तो कथा हमारे घर पे नहीं होगी। कथा यहाँ पे बस्ती बाबा हैं पास में मंदिर, तो वहीं पे हम लोग कथा सुनेंगे, और मैं और मेरे हस्बैंड। तो बस हम लोग वहीं चल रहे हैं, मैं रास्ते में हूँ, हम लोग रेडी हैं। फिर थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पंडित जी थोड़ा लेट से आए, तो अभी हम लोग चल रहे हैं कथा सुनने। और अभी जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो फिर वहाँ आपको क्लिप दिखाऊँगी। अभी हम लोग रास्ते में हैं, चलिए फिर वहाँ पहुँचते हैं मंदिर पे, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हम लोग मंदिर पे पहुँच गए हैं, और ये स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पृथुधरो सह प्रश्नमातर शुंभया बानो विदते कु अग्मया जीवतमिन्न शरदौ अंति देवा जत्रा न चक्रा जरसं तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्तु मानो मध्यारीरिखतार्युगन्तौ अदितिरधौरदितिरं तरिक्षमदितिरमाता सपिता सपुत्रा विश्वै देवा अदितिः पञ्चजनायदितिरजातमदितिरजनित्वं माधवो शान्तिः पृथिवीः शान्तिः रापा शान्ति रोकदा। साधु मंगलायन पुण्य काम, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर के जाने के बाद में भगवान ने अपने मन में सोचा कि हम लाओ इसकी परीक्षा ले लें। अब इसके मन में क्या है, भगवान एक सन्यासी का रूप बना करके, दंडी बाबा का रूप बना करके आए। सेठ जी कहाँ जा रहे हो, इस नाव में तुम्हारे क्या रखा हुआ है? साधु बनिया ने मजाक करते हुए कहा, अरे बाबा क्या धन लेने की इच्छा है, इस नाव में तो लता पत्र पुष्प फल आदि रखे हुए हैं। भगवान ने कहा भैया तुम्हारी बात सत्य हो जाए। भगवान इतना कह करके चले गए, नदी के किनारे को दूर पर जाकर के बैठ गए। साधु बनिया जब नाव पे ऊपर चढ़ा तो जो धन था वो तो गायब हो गया था, पर लते पत्र पुष्प फल ही थे वहां। तो नाव ऊपर की ओर उठी हुई थी, भार था नहीं इसलिए नाव ऊपर उठी हुई थी। साधु बनिया ने कहा धन क्या हो गया, और जब वस्त्र हटाया तो देखा सब पत्र पुष्प फल रखा हुआ है। साधु बनिया मूर्छित होकर के नाव में प्रकट पड़ा, और जब होश में आया तो उन्होंने कहा मेरा धन, हाय मेरा धन, हाय मेरा धन। तो ससुर दामाद ने कहा, यानी उसके दामाद ने कहा कि अरे सेठ जी रो क्यों रहे हो, तुमने साधु बाबा सन्यासी बाबा से झूठ बोला था, इसे इसकी का फल, झूठ बोलने का फल तुम्हें मिला है। इस समय रोने धोने से काम नहीं चलेगा, उन्हीं की शरण में चलो, वो बैठे हुए हैं, अगर उनकी कृपा हो जाए तो आपके धन की रक्षा हो सकती है। ससुर दामाद दोनों गए सन्यासी बाबा के चरणों में लौट गए, महाराज हमारे अपराध को क्षमा करें, हमारे अपराध को, हमने झूठ कहा था, उस नाव में पत्र पुष्प फल है, उसमें तो सोना चांदी मोहर अशर्फी रत्न ही राजमहाराज पन्ना ये सब भरा हुआ था। तो सन्यासी बाबा रोने लगे, सन्यासी बाबा मुस्कुराने लगे, अरे मूर्खो रो मत, ये मेरी बार बार मेरा अपमान करने के कारण तुम्हें ईमानदारों को प्राप्त हुआ है। तो साधु बनिया ने कहा प्रभु अरे मैं एक माया में लिपटा हुआ एक साधारण सा जीव, अरे जब आपकी माया को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाते हैं तो मैं छोटा सा जीव आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, वैसी गलती नहीं होगी। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाएगा। साधु बनिया ससुर दामाद आए नाव में, पुनः जो पहले धन था वही धन उनको पुनः मिल गया, और वो बहुत प्रसन्न होकर के अपने नगर की तरफ चल पड़े। नाविक नाव हाँक रहा है, नाव हाँकते हाँकते जब अपने अपनी अपनी नगरी दिखाई पड़ी तो कहा अरे वो देखो मेरी रत्न साधपुर नामक नगरी दिखाई पड़ रही है। तो धन के रक्षक दूतों से कहा कि मेरे आगमन का समाचार जाकर के मेरी पत्नी को दो। दूत दौड़े दौड़े गई और सेठानी से जाकर के कहा सेठानी जी सेठ जी भाव धन कमा करके ससुर दामाद नगर में प्रवेश कर रहे हैं। इतना जैसे सुना साधु बनिया की पत्नी और बेटी कलावती ये दोनों उस समय सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे, व्रत संपन्न हो गया था, केवल प्रसाद खाना था। साधु बनिया की पत्नी ने कहा बेटी मैं चल रही हूँ तुम भी जल्दी आओ। अब वो तो चली गई, बेटी भी प्रसाद नहीं खाई वो भी चली गई, और वहां जब पहुंची तो बेटी के पहुंचते ही देखा कि वो मेरा पति है। भगवान की इच्छा से वो नाव के साथ में भगवान ने उसके दामाद को भी डुबो दिया। अब नाव धान दामाद सब गायब। अब साधु बनिया की बेटी
जमीन पर गिर गिर करके रोने लगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी, और करुण क्रंदन करने लगी। साधु बनिया भी आश्चर्य की, अभी अभी धन के साथ में मेरा दामाद कहां गायब हो गया। तब आकाशवाणी की, हे साधु बनिया तुम्हारी बेटी प्रसाद का अपमान करके आई है, इसीलिए इसका पति गायब हो गया है। ये जाए और प्रसाद खा करके पुनः वापस आए तो इसका पति इसे वापस मिल जाएगा। साधु बनिया की बेटी कलावती दौड़ी दौड़ी गई, प्रसाद खा करके भगवान को प्रणाम करके जब आई तो उसका पति उसको पुनः वापस मिल गया। और अपने बेटी कलावती ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब घर को चलो, विलंब क्यों कर रहे हो। सब लोग घर आए। उसी दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को साधु बनिया सपरिवार बांध बांधों के साथ बैठ करके सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगा, और इस जन्म में बहुत सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। जो भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान को श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करते हैं, कलयुग में उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, इसमें संदेह नहीं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रकथायाम चतुर्थो अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। जा जल से मोटा जाए। इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये नमः स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय नमः स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम अत प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम अत प्रधान देवताभ्यो नमः। आपो डाल जाए। ओम गणनांता गणपति हुंगलामहे स्वाहा। ओम प्रियनांता प्रियपति हुंगलामहे स्वाहा। ओम नदनांतापति हुंगलामहे स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम मिदम आदित्याय नमः। ओम नमसे नमः स्वाहा। शुक्राय नमः। ओम परिश्राय नमः स्वाहा। आम के पत्ती से उछाला जाए।
आइए आइए वहाँ से आइए बाबू यार हो जाओ माचिस कहाँ है माचिस हरे ओम सत्यनारायण स्वामी जनपात चरण ओं जय लक्ष्मी रमणा रतन जटित सिंहासनय बुध छवि राजे नारद करत निराजन घंटा निवास ओं जय लक्ष्मी रमणा जनल बील कठारोदिन पर कृपा करी चंद्र शूलयक राजा जिनकी विपत्ति हरी ओं जय लक्ष्मी रमणा ऐश मनोरथ पायो दुर्गात जिनी सो फल भोग्यो प्रभुति प्रिय स्तुति कीनी ओं जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण धन धन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी जंतो का विषय ओं जय लक्ष्मी रमणा चल तपसा विषवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी मयादेव परिपूर्ण तदस्तु मे नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मना पापसंभवा त्राहिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर।